हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा। और आप सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी का जो वेंडर है वो फाइनल हो चुका है। टीसीएस को वेंडर मिला है एसएससी का, और जो टीसीएस कंपनी है वो बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और आपको पता ही होगा बैंकिंग के एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पर होते हैं, और एसएससी के लिए ये डिसाइड हुआ है कि जो एसएससी के एग्ज़ाम में वो फेब मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी होती है उनमें, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट हम ये समझते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है। आप सभी को पता होगा रिमाइंडर यानी जो शेषफल होता है, आप किसी संख्या को किसी से भाग करते हो तो जो शेषफल होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, पर रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक वो आपका होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक हमारे पास होता है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका आंसर होना चाहिए ना, जो हमें फाइनल रिजल्ट देना है वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं हम कि किस तरह से हमें नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करना है, कैसे हमारे पास नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये होता ही क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि 35 को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी थोड़े देर के लिए आप इसको भूल जाओ, माइनस वन को। तो आप अगर 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो 32 पे ये कम्प्लीट डिविजिबल है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 3। ये कैसे रिमाइंडर आया, पॉजिटिव रिमाइंडर आया, यानी जो 35 से कम से हमने जब डिवाइड किया, ठीक है, यानी जब हमने 32 पे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो बचा वो क्या था, प्लस का रिमाइंडर यानी प्लस का 3। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कब निकलता है, जब आप 35 से बड़ी संख्या को देखोगे। ठीक है, 35 के पास बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 को कम्प्लीट डिवाइड करती है, वो है 36। ठीक है, और 35 36 में कितना कम है, एक कम है, इसीलिए आपके पास रिमाइंडर आया माइनस का 1। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें समझनी है। देखिए, अगर आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, ठीक है, अगर आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और नेगेटिव रिमाइंडर आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन, ये मतलब आपको ये ना देखना पड़े कि 35 के बाद कौन सा नंबर, आप डायरेक्ट उसको कैसे निकालोगे। ठीक है, आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें से अपना पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 मैंने माइनस किया, मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर है, अगर मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर है तो भी उसको 4 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। ठीक है, मतलब 4 में से आप पॉजिटिव को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, रिमाइंडर आएगा। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस करोगे तो आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और आपके दोनों ही रिमाइंडर का एडिशन, ठीक है, दोनों रिमाइंडर का एडिशन हमेशा क्या होगा, जिस नंबर से आप उसको डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, ये था रिमाइंडर थ्योरम का बेस, मतलब बस रिमाइंडर को समझना कि रिमाइंडर होता क्या है। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर हमारे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे आंसर पे क्या, इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव का, कैसे हमें पॉजिटिव यूज़ करना है और कैसे हमें नेगेटिव यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला है कि 49 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाई 9। पहले मैं इसको करवाऊँगी आपको, दोनों रिमाइंडर पॉजिटिव रख के, ठीक है, हम दोनों रिमाइंडर क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो जब आप 49 को 9 से डिवाइड करोगे तो 45 कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा।
65 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आपके पास रिमाइंडर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर क्या हो गया, 8 हो गया, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या आया, 8 आया, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 9 से बड़ा आता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे अगर 3 होता, 4 × 3 बचता तो आपका 12 रिमाइंडर होता है, ठीक है। अगर हमारा रिमाइंडर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आप उसको एक बार और डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में इस चीज़ को भी हम क्लियर करेंगे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जब हमने लिए दोनों के तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 8 आया, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को दोनों रिमाइंडर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। तो देखिए 49 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास माइनस का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5, यानी नेगेटिव रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और आपके पास 65 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से तो जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस का 7, ठीक है, क्योंकि 65 के बाद आपका जो नंबर कंप्लीट डिविजिबल है वो है 72, और 72 में ये कितना कम है, 7 कम है, इसी तरह से आपका 49 है। तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 5 और माइनस का 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, 35 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। तो आपने देखा आपके पास जो रिमाइंडर आया 35 वो 9 से बड़ा था। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर से यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे बड़ा नंबर आता है तो हमें एक बार और भाग करना है, ठीक है। तो 35 को 9 से एक बार और भाग करेंगे तो आपके पास जो प्लस का रिमाइंडर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है, और माइनस का रिमाइंडर आपके पास माइनस 1 आएगा। लेकिन आपको पता है आपको आंसर किस में करना था, प्लस में करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फिर से आंसर क्या आया, 8 आया। तो आपने देखा कि जब मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लेके सॉल्व किया तो भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव में आया, ठीक है। अब हम एक करते हैं इसी क्वेश्चन को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख के, ठीक है, एक पॉजिटिव रखेंगे रिमाइंडर और एक रिमाइंडर अपना नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4, और नेगेटिव रिमाइंडर आया माइनस का 7। जब आप 4 को 7 माइनस 7 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 28, और माइनस का 28 यानी जो 28 है वो अभी 9 से क्या है, बड़ा है, यानी मुझे एक बार और डिवाइड करना है, ठीक है, एक बार और डिवाइड करना है। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि ये माइनस का साइन था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन था। तो जैसे आप 28 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक रिमाइंडर आएगा प्लस का 1 और दूसरा रिमाइंडर आएगा माइनस का 8। पर आपको पता है कि आपके पास क्या है, माइनस का 28 है, तो आपका जो प्लस वाला रिमाइंडर है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपके पास माइनस वाला रिमाइंडर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आंसर किस में करना था, प्लस में करना था, यानी आपका आंसर क्या आया, 8 आया। तो आपने देखा कि हम कुछ भी लें, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। तो अब हमें आगे क्वेश्चन में अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यानी हमारी जैसे कैलकुलेशन ईजी होगी उसके हिसाब से हम अपने रिमाइंडर को रखेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है पॉजिटिव वाला रिमाइंडर जो बच रहा है वो थोड़ा बड़ा है, जैसे किसी का 4 रिमाइंडर बचता है पॉजिटिव वाला और किसी का नेगेटिव रिमाइंडर माइनस 1 है, तो माइनस 1 से हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ईजी होगी, तो हम प्लस का 4 ना रख के माइनस का 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हमें ईजी लगेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान बनेगी, उस रिमाइंडर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी, इसमें क्या है इसको समझो बहुत ध्यान से, ये बहुत यूज़फुल है। जैसे आप 14 को 7 से डिवाइड करो, 14 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। अभी मैं सिर्फ एक रिमाइंडर की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव रिमाइंडर की, जो सबको पता होता है, ठीक है। तो 14 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया,
टू आया। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, कैंसिल हो रहा है ना, ये सेवन बाय टू हो रहा है। अगर आप सेवन बाय टू को डिवाइड करोगे, दो को सात से डिवाइड करोगे, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, वन हो रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं किसी क्वेश्चन में कैंसिल करके आंसर करती हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ और आएगा, और एज इट इज सॉल्व करूँगी तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, अगर आप कैंसिल करते हो, ठीक है, अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमने जिस नंबर से कैंसिल किया है, ठीक है, तो अपने जो रिमाइंडर में उस नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जैसे 21 को आप 6 से डिवाइड करोगे, आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 3। इसको मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 1। तो यहाँ मैंने किस से काटा है, इसको 3 से कट किया है, ठीक है, 3 के टेबल से। तो मैं अपने रिमाइंडर को क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आपको देखो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, 6 डिजिट में, 7 डिजिट में, मुझे उसको 4 से डिवाइड करना है, तो मैं पूरा नंबर डिवाइड नहीं करूँगी। ये चीज़ आपकी यूनिट डिजिट में भी बहुत काम आती है, क्योंकि यूनिट डिजिट में आपको पता है कि जो 2, 3, 7, 8 का केस होता है उसमें हमेशा पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर पावर 4 डिजिट में है, 7 डिजिट में है, तो मैं पूरे नंबर को थोड़ा डिवाइड करके रिमाइंडर बताने लगूंगी। ठीक है, तो ये तो वैसे ही हमारे पास बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको किसी नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना होता है तो हमेशा उसके लास्ट के 2 डिजिट करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 2 से 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपको किसी नंबर को 2 से डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो आप उसकी लास्ट की 1 डिजिट करोगे। ठीक है, 2 की पावर 2 यानी जो आपका 4 होता है, उसको आपको देखना है कि किस क्या रिमाइंडर दे रहा है ये नंबर, तो उसकी लास्ट की 4 करती है। अगर आपको 8 चेक करना है, तो 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, तो किसी भी नंबर का लास्ट की 3 डिजिट 8 के लिए। अगर मुझे 16 चेक करना है, तो किसी भी नंबर के 4 डिजिट, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है, वो 16 होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ से आता है, 2 की जितनी वो पावर होती है उतनी डिजिट हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी नंबर को 3 या 9 से चेक करना है, अभी जब हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे उसमें भी ये चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी रिमाइंडर थ्योरम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया। तो अगर आपको क्या देखना है कि कोई नंबर 3 या 9 से डिवाइड होकर क्या रिमाइंडर दे रहा है, तो आप क्या करो, जो भी आपको डिजिट दी गई है, ठीक है, उस डिजिट को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, और ऐड करने के बाद आपको जिस भी नंबर से डिवाइड करना था, 3 से या 9 से, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको करने के लिए। अब 25 है, ठीक है, तो 2 और 5 को आप ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा, 7 को 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक और चीज़ सीखने वाली है कि अगर आपका न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, जैसे 3/4 है, 3/5 है, यानी आपका क्या हो, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो, ठीक है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ सकता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर 0 होता है। ठीक है, तो 5 0 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो 0 के बाद ये कौन सा नंबर आ गया, 3 आ गया, तो 0 से क्या है, बड़ा, इसीलिए पॉजिटिव रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 के बाद जो नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 5 को, वो 5 है, और 5 में ये कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस का 2। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपका डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा छोटा होता है तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है ये इट्सेल्फ होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर ये यही होगा जो आपका न्यूमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मेरे पास क्या बचेगा, 7/9, तो 7 मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा, और नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, 9 में से
आप 7 को माइनस कर दो तो आपके पास 2 आएगा, और 9 में से 2 को माइनस कर दो तो 7 आएगा, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जैसे ये है 135/9, अब 135 को 9 से डिवाइड करो, तो इसलिए क्या करना है आपको, जो ये डिजिट दिए गए इसको ऐड कर दो, 1, 3 + 5, तो कितना हो गया 9 हो गया, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, अब 1001 को अगर आपको डिवाइड करना है 3 से, तो आप क्या करो अपने डिजिट को ऐड कर दो। ठीक है, तो डिजिट में ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और 2/3 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 2 ही हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे 1004 है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5/3 आएगा, और पॉजिटिव रिमाइंडर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि अगर 3 और 9 से आपको इस तरह के डिजिट को चेक करना है, कोई बड़ी सी डिजिट दिए तो सारे डिजिट का क्या कर दो, सम कर दो, और फिर उसको अगर 9 से बोला है तो 9 से, 3 से बोला है तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हम जो हमने अभी सीखा कैंसिल करने वाला, उसको हमें अपने क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, वो हमारे क्वेश्चन में कैसे आता है वो देखते हैं। ठीक है, अब 1001 मल्टीप्लाई 1002 मल्टीप्लाई 1003, इसको डिवाइड करना था मुझे 27 से, लेकिन 27 से मैं इसको डिवाइड करती तो मुझे रिमाइंडर, पहले तो इनको भाग करना पड़ता, ठीक है, 27 से तो मेरे पास रिमाइंडर आता, और तीनों डिजिट को भाग करो तो पहले से क्या हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको कैंसिल कर लिया, इसको काट लिया है। ठीक है, तो मैंने इसको 3 के टेबल से कैंसिल किए, तो 3 के टेबल से कैंसिल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, और 9 से फिर मैंने यहाँ पे सबको डिवाइड किया, अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो इन सब डिजिट का क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे 2/9 हो जाएगा, और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा सम, और 10 को 9 से डिवाइड करूँगी तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 4 आया। ठीक है, तो इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 8 आया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया, 8 आया, लेकिन आपको पता है आपने सारे नंबर को किससे डिवाइड कर दिया, 9 से, लेकिन उसने मेरे से किससे पूछा था, 27 से। ठीक है, तो आपने इसको किससे कैंसिल किया था, 3 से। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, जो आपके पास कैंसिल हुआ नंबर है, यानी जो 9 है वो 27 का, 27 9 का कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो इसीलिए 3 से आप क्या करोगे, अपने लास्ट के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपने उसको 9 से डिवाइड किया था, 27 से नहीं। ठीक है, तो 27 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 24। अगला क्वेश्चन, 54 मल्टीप्लाई 73 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर आएगा प्लस का 6 आ रहा है। ठीक है, आप माइनस वाला भी ले सकते थे तो भी आपका आंसर क्या आता, सेम आता। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना। आपको कोई मल्टीप्लिकेशन दी होगी, ठीक है, उसमें आपसे क्या पूछेगा कि लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करो, तो वो हमें कैसे करना होता है, वो भी हमें रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू ही करना होता है, लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, और ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि जब भी हमें 2 डिजिट फाइंड करने होते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 100 से भाग करेंगे। तो अब अगर आप इसको 100 से भाग करोगे तो आपको पता है 900 यहाँ पे कम्प्लीट डिविजिबल होगा, और 900 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1। यहाँ पे आपको पता है 100 कम्प्लीट डिविजिबल होगा तो माइनस का 4, क्योंकि ये 100 से 4 कम था। यहाँ पे 1000 कम्प्लीट डिविजिबल होगा, लेकिन ये 1000 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 12। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर माइनस में नहीं करना, अपना आंसर जो है वो माइनस में नहीं देना,
तो माइनस में जब नहीं देना आंसर तो प्लस का रिमाइंडर कैसे आएगा, जिससे आपने डिवाइड किया उसमें से अपना माइनस का रिमाइंडर माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आसान सा, मतलब जहाँ पे आपका इजीली 100 से ये बहुत अच्छे से डिविजिबल हो गया, और जो इसने रिमाइंडर हमें दिए वो भी बहुत छोटे छोटे रिमाइंडर दिए ताकि हमारी कैलकुलेशन भी कोई क्या हुई, बहुत आसान होगी। ठीक है, अब करते हैं जहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी। अब यहाँ पे तो आपके पास हो जाएगा क्योंकि आप बोल दो कि माइनस का 2, लेकिन 73 के लिए सोचो क्योंकि 100 यानी 400 कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा मतलब 27 कम है। ठीक है, तो 27 यहाँ पे आपका 200 कंप्लीट डिविजिबल होगा, फिर से यहाँ पे आपका बड़ा सा रिमाइंडर आएगा, सिमिलर यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी जो यहाँ रिमाइंडर बचेंगे, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, यानी हमें जो हमारे पास कटता है उसको काट लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 96 से मैंने 2 के थ्रू 150, 48, 24 और लास्ट में 25 बचा और मैंने इसको कैंसिल कर लिया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया। तो इस नंबर को मैं क्या करूँ, 25 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 100 कम्प्लीट डिविजिबल होता है और 100 में ये कितना कम है, 2 कम है। यहाँ पे 75 जो होगा वो कम्प्लीट डिविजिबल होगा और ये कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, यहाँ 150 कम्प्लीट डिविजिबल है और ये ज़्यादा है कितना, 3, तो प्लस का। यहाँ 25 देखो जो कैंसिल करके आएगा उसको रखोगे जो आपका कट करके आता है। यहाँ पे -1, यहाँ पे 125 कम्प्लीट डिविजिबल होगा, प्लस का 2। ठीक है, तो जब मैं इन सारी रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 24 और माइनस में रिमाइंडर तो रखना ही नहीं होता, तो मैंने किससे डिवाइड किया था, 25 से। 25 में मैं अपने माइनस वाला रिमाइंडर को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 1 आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं ये 4 का फंडा क्या है। अब आपने जो हमने किससे डिवाइड कर दिया, 25 से, लेकिन डिवाइड किससे करना था, 100 से। तो 25 का कितना गुना है, ये 4 गुना है, इसीलिए जो मेरे पास लास्ट में रिमाइंडर आया यानी जो मेरे पास 1 आया उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, 4 आया। लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे थे, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अगर आपके पास लास्ट 2 डिजिट फाइंड करते हो लेकिन आपके पास जो आंसर आता है यानी जो मेरा रिमाइंडर आता है वो 1 डिजिट में आता है, तो आप क्या करोगे, 0 लगा दोगे। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 04, यानी जो इसकी लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 04। आगे चलते हैं, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट की 2 डिजिट फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर इनको मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएंगे, ये खुद ही आ जाएंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे क्योंकि 100 से छोटा है, ये भी 100 से छोटा है, ये भी 100 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो ये इटसेल्फ बन गई और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे यानी कट करके करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम इसको कट करते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 12 बचा और यहाँ पे मेरे पास 13 बचा है। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 5 आया, तो 5 को आप 37 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। 53 को करेंगे तो 55 कंप्लीट डिविजिबल है तो मैं माइनस का 2। आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे 50 को सोच के प्लस का 3 भी रख सकते हो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अभी बताया था माइनस नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, पॉजिटिव पॉजिटिव लो, कोई भी रिमाइंडर यूज़ करो आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, 13 को करोगे आप डिवाइड 5 से तो 15 में ये 2 कम है तो माइनस का 2। 40 कम्प्लीट डिविजिबल होगा, माइनस का 1। यहाँ पे 50 कम्प्लीट डिविजिबल है, प्लस का 2। यहाँ पे 10 कम्प्लीट डिविजिबल होगा तो प्लस का 2। और यहाँ पे आप 75 कम्प्लीट डिविजिबल है तो प्लस का 2, इसको प्लस का 3 कर लेते हैं।
ठीक है, 70 कंप्लीट डिविजिबल है 5 से, तो प्लस का 3, ठीक है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आया, 64 आया, और आपको पता है 64 तो 5 से भी बड़ा है। अभी मैं 5 से किया है, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये नहीं कि 64 आ गया तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, या ये बोलो ये 100 से छोटा है, 100 से तो आपने किया ही नहीं, आपने तो 5 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो 64 अभी 5 से बड़ा है, तो फिर इसको फिर से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 4 होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ गया प्लस का 4, यानी जो प्लस में आया, लेकिन ये कब आया है, जब आपने इसको 5 से भाग किया, लेकिन क्वेश्चन में 5 से तो नहीं बोला था, आपको 100 से बोला था, ठीक है। तो 5 100 का 20 मल्टीपल था, तो लास्ट में आंसर को क्या करोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास आया, लास्ट की 2 डिजिट आई, ठीक है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमने जो चीज़ किया ना वो बेसिक था, लास्ट 2 डिजिट तो चलो आपके एग्ज़ाम में आ जाती है, और लेकिन आपके पास जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है ना क्वेश्चन, वो कभी उस सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में नहीं होता कि दो नंबर को आपको मल्टीप्लाई में दे देगा और क्या कहेगा, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो रिमाइंडर फाइंड करना होगा ना, वो हमेशा पावर में होगा, किसी नंबर की पावर आपको किसी नंबर से डिवाइड करना होगा तो रिमाइंडर बताना होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा स्टार्ट होता है इम्पॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो जब भी आपके पास पावर में है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पावर में, तो आपको ना हमेशा कोशिश करनी है कि पावर के अंदर जो नंबर है ना वो आपको रिमाइंडर क्या दे, या तो -1 दे या तो +1 दे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो -1 की कोई भी पावर हो, -1 की पावर मैं आपको 100 बोलूँ तो आप एक मिनट में कहोगे कि हाँ इसको सॉल्व करने के बाद 1 आएगा, -1 की पावर मैं आपको 41 बोलूँ तो आप भी कहोगे 1 आएगा, ठीक है। चाहे पावर ओड हो चाहे इवन हो, आपका आंसर क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 की पावर 100 बताओ कितना होता है, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जब पावर वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आपकी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आप रिमाइंडर को क्या बना सको, +1 या -1, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार हमारे पास +1 या -1 बनेगा ही, ठीक है। तो वो आगे हम करेंगे कि जब आपके पास रिमाइंडर ना +1 बन सकता है ना -1 बन सकता है, उस केस में आपका जो मेथड हो जाता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो हम सीख रहे हैं पावर के अंदर रिमाइंडर या तो +1 बना सकूं या तो -1 बना सकूं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे 36 को 5 से डिवाइड करना है और 36 की पावर 102 है, तो 36 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा, और +1 की पावर 102 तो रिमाइंडर पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया। तो ये तो सिंपल सा था, जहाँ पे आपको देखते ही पता चल गया कि अंदर पावर जो सॉरी अंदर रिमाइंडर है वो तो +1 है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन होंगे किसी फॉर्म में, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा कि आपका जो अंदर पावर के अंदर जो चीज़ है ब्रैकेट के अंदर, वो आपको रिमाइंडर क्या दे, +1 या -1 दे, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास, 2 की पावर 33 डिवाइड बाई करना है 9 से। अब मुझे +1 रिमाइंडर के लिए ऊपर 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर -1 रिमाइंडर चाहिए तो ऊपर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की कोई भी पावर 10 नहीं होती है, ठीक है। 2 को आप 3 बार 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 10 नहीं आता, ठीक है। लेकिन 2 की पावर जो 3 होती है वो 8 ज़रूर होती है, तो यानी मैं ऊपर वाले टर्म को किस तरह से ब्रेक करूँ कि वो 8 बन सके। तो आपको पता है 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, तो 11 मैंने बाहर ले लिया, लिख सकते हैं इस फॉर्म में, आखिर चीज़ तो वही रही, 3 × 11 = 33। तो आपके पास आ गया 8 की पावर 11 / 9। अब आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा -1, देखो प्लस वाला रिमाइंडर भी आएगा, प्लस वाला रिमाइंडर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया, आप प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला लो, आपके पास आंसर क्या होता है, सेम आता है, ठीक है। हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं, अगर मेरी कैलकुलेशन प्लस वाले से आसान हो रही है तो मैं प्लस का रखती हूँ, अगर मेरी कैलकुलेशन माइनस के हिसाब से हो रही है
ईजी हो रही है तो मैं माइनस रखूँगी, तो यहाँ पर मुझे माइनस वन और वन सॉल्व करना ईजी रहता है पावर वाले क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पर रिमाइंडर माइनस वन रख लिया। ठीक है, अब माइनस वन की पावर क्या है, इलेवन है। अब माइनस वन की पावर इलेवन क्या होगी, माइनस वन होगी, ठीक है ना। लेकिन आंसर तो माइनस में देना ही नहीं होता, ठीक है। तो आंसर जब माइनस में नहीं देना होता और रिमाइंडर जो है वो माइनस में निकले, तो आपका काम क्या है, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था उसमें से उसको माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया, एट हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, 2 की पावर 34 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अभी तो देखो 3 की पावर 11, 3 × 11 था वो 33 हो गया, लेकिन 34 में कुछ कॉमन ही निकल सकता। अगर आप इसको बनाओ 17 × 2, तो लेकिन 17 × 2 करोगे, ये चीज़ करोगे तो ये तो 4 बनेगी, और 4 नौ से डिवाइड होगा तो आपको रिमाइंडर क्या देगा, 5 और 4, वो तो सॉल्व करनी बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो सिखाया क्या गया है, प्लस वन और माइनस वन बनाना है, तो इसको किस तरह से ब्रेक करोगे। यहाँ पे एक 2 आपके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि अभी भी हमने ऊपर सॉल्व किया जब 2 की पावर 33 थी, तो बहुत आसानी से हो गया। एक 2 मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जो इस फॉर्म में हो ना, जो आपकी पावर को अच्छे से फॉर्म में नहीं ला पा रहा हो, अच्छे से आपकी पावर नहीं बन रही हो, तो आप क्या करो, जो आपके पास एक्स्ट्रा पावर है ना उसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे एक 2 क्या था, एक्स्ट्रा था, मैंने उसको पहले से आउट कर लिया। अब मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 33, और 2 की पावर 33 अभी ऊपर हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करके 8 की पावर 11, 9, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आया, प्लस का 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस के 1 से, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया, माइनस का 2। लेकिन माइनस का 2 तो आपका आंसर नहीं हो सकता, तो 9 में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास प्लस का रिमाइंडर आ गया, प्लस का 7, ठीक है। ओके, यहाँ पे 400 को डिवाइड करना है आपको 7 की पावर 512 से, तो 7 की पावर, और जो 4 होती है ना, मतलब अगर आपको याद हो तो वो 2401 होती है, और 400 की भी टेबल में आपका 2400 आता है, तो सीधा सीधा ये ब्रेक हो रहा था, अगर किसी को पावर पता हो तो। अगर नहीं पता है ना, तो इस का एक और कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी वो हम करें कि जिसमें हमें पावर को ईजिली से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती थी 7 की पावर 4 × 128, तो 7 की 4 जो होता है वो 2401 होता है, उसकी पावर कितनी होगी, 128 होगी, और इसको डिवाइड करना है मुझे 400 से, और 400 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400, और ये आपको रिमाइंडर क्या देगा, प्लस का 1, और प्लस 1 की पावर कुछ भी हो, ओड या इवन, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, और ये पॉजिटिव आया है, ठीक है, पॉजिटिव आया, तो यही है मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वैसे ये और ऊपर वाला क्वेश्चन जो था 7 वाला, सेम फॉर्म बन रही थी। अब आपका क्या होगा, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है, मतलब 33 था, उसमें भी 400 था, तो अब आपको क्या कोशिश करनी है, ऊपर कुछ ऐसा बनाने की जिससे आपका रिमाइंडर या तो प्लस वन या तो माइनस वन बने। अब 33 और 4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ 32, ठीक है। अगर 4 किसी इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि वो 32 बन जाए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको 32 कैसे बनाएं, इसको 32 कैसे बनाया जाए। इसको 32 बनाने के लिए मैंने क्या करा है, इसको 32 बनाने के लिए हमने इसको 2 की पावर में पहले ब्रेक कर लिया, 2 × 4, ठीक है, 48 उसकी पावर थी, और फिर मैंने इस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, 96 होगी, और 33 से मुझे डिवाइड करना था। मैंने अभी पावर को ही बस अपने फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब मुझे पावर बनानी है 5, क्योंकि 2 के 5 ही क्या होता है, आपका 32 होता है, ठीक है। तो 5
तो आपके पास भी यहाँ पे सेम क्या था, एक टू एक्स्ट्रा बन रहा था। 96 से मैं कोई भी ऐसी, 96 आपको खुद पता है कि आपके पास इवन नंबर है और 5 से गुणा करके आपके पास कुछ बनेगा नहीं इसका, ठीक है। तो इसमें दो एक क्या था, एक्स्ट्रा था, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया और 2 की पावर 95 कर लिया, और 2 की पावर 95 को मैं लिख सकती थी 2 के 5 गुणा में 19, ठीक है। 2 के 5 गुणा में 19, तो 2 के 5 गुणा में 19, अब ये मेरे पास क्या बन गया, 32 बन गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, 32 बन गया। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व कर लिया, 2 बाहर था हमारे पास और वो 32 बन गया, 32 की पावर 19 होगी। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 2, और यहाँ रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, और ये रिमाइंडर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1, तो रिमाइंडर क्या हो गया, माइनस का 1, रिमाइंडर क्या हो गया, प्लस, सॉरी, रिमाइंडर हो गया माइनस का 2। अब रिमाइंडर क्या आया, माइनस में आया, ठीक है। आपको पता है आपको आंसर माइनस में नहीं करना होता है, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए, 33 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 31 आ गया, ठीक है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बेशक से देखने में ख़तरनाक लगे कि 35 की पावर इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई 7/9, लेकिन बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 9 से जो 36 है वो क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये 36 में एक कम है, यानी आपको रिमाइंडर देगा माइनस का 1, और माइनस की कोई भी पावर हो, ये कैसी पावर है, ओड पावर है, ठीक है। माइनस 1 की कैसी पावर है, ओड पावर है, यानी ये सॉल्व होके क्या देगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 7 में 9 को डिवाइड करोगे 7 से, तो आपके पास जो माइनस का रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया, ओके। ये लो, ये आया आपके पास बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपको इसको 16 से डिवाइड करना है, ठीक है, और आपको रिमाइंडर बताना है। अब इसमें ना आपका पावर वाला फॉर्म लग रहा है, ना ये मल्टीप्लिकेशन में है, ना ही आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक पूरी डिजिट है, तो ये कैंसिल भी नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे जहाँ ख़त्म हो रहा है 5, तो वो तो ओड है और ये 16 है। तो 16 के लिए आपको मैंने अभी बताया था, अगर मुझे किसी नंबर को 16 से चेक करना है तो लास्ट की 4 डिजिट करते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है, तो 2 की जितनी पावर होती है उतने डिजिट हम सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं लास्ट की 4 डिजिट सॉल्व कर लूँगी और रिमाइंडर फाइंड कर लूँगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ किसको, 1415 को डिवाइड करूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल आप रट लो, जैसे आपके भी रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं या ग्रुप डी के किसी भी एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी ग्रुप सी का, उसमें ये बहुत इजीली, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइप के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्या है ये कि अगर कोई एक नंबर, ठीक है, इफ़ एनी नंबर इज़ रिटन 6 टाइम, कोई भी नंबर 6 बार लिखा गया है, तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है किससे, 7 से 11 से 13 से और 37 से, और ये इस पर तो एक बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, जब हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे तो उसमें करेंगे। तो कोई भी एक नंबर अगर 6 बार लिखा गया, जैसे यहाँ पे ये एक ही नंबर हमने कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है, अगर एक ही नंबर 6 बार लिखा होता है तो वो 7, 11, 13 और 37 से क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं ये एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, अब 7 लिखा हुआ है कितनी बार, 49 टाइम्स, 7 कितनी बार लिखा है, 49 टाइम्स। अब आपको पता है कि 6-6 के जो पेयर होंगे, यानी 6-6 के जो 7 पेयर होंगे, 7 के पेयर होंगे वो कम्प्लीट डिविजिबल होंगे, ठीक है। जिस तरह से अगर यहाँ पे 6 का पेयर बनाओ तो ये क्या होगा, कम्प्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे मैं वो चेक कर लेती हूँ। तो 49 है, आपको पता है 8 के पेयर, यानी 8 के पेयर बन जाएंगे 7-7 के, कितने, 6 बनाने हैं, 6-6 के बनाने हैं, तो 6-8 48, ठीक है, यानी 7
जो है वो 48 टाइम तो ख़त्म हो गया, कंप्लीट डिविजिबल 48 टाइम, क्योंकि जो 6-6 के पेयर में होंगे तो 8 पेयर बनेंगे आपके, ठीक है। तो आपके पास कितने बार था, 7, 49 टाइम्स था, 48 टाइम्स तो मेरा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, सिर्फ एक 7 बचा है, तो एक 7 को आप 13 से डिवाइड कर लोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 हैं, 45 बार और 37 से डिवाइड करना है, तो 6 × 7 = 42 आपको पता है, तो आपके पास 42 टाइम्स तो ये रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। 42 टाइम रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, तो मेरे पास कितने 6 बच जाएंगे, 3 6 बच जाएंगे, उस 3 6 को आप डिवाइड करके देख लेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ रहा है इसमें, ठीक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी सीजीएल प्री एंड मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए आपको क्या दिया गया, 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial और 1000 factorial, इसको डिवाइड करना है आपको 5 से और रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक बीच में 5 फैक्टोरियल भी आएगा 4 फैक्टोरियल के बाद, और जैसे ही किसी नंबर में एक बार 5 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो उसमें मैं कितने भी मल्टीप्लीकेशन करूँगी वो नंबर हमेशा क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स हैं उन सब में 5 है और वो क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल होंगे, यानी वो आपको रिमाइंडर क्या देंगे, 0 देंगे, यानी जो मुझे सिर्फ चेक करना है वो 4 तक में ही चेक करना है, 4 तक में जो रिमाइंडर आपका बनेगा वही आपके 1000 तक में बनेगा, ठीक है। तो 4 तक में चेक करते हैं, 4 तक में हमारा क्या रिमाइंडर बन रहा है, ठीक है। 1 factorial 1 होता है, 2 factorial 2, 3 factorial 6 और 4 factorial आपका 24 होता है, और 5 factorial देखोगे तो 120 हो गया। अब तो ये हमेशा क्या है, 0 आएगा हमेशा, है ना, एक बार 0 आने का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगी हमेशा 0 आंसर आएगा इसमें लास्ट में। तो बाकी जो फैक्टोरियल्स होंगे 1000 factorial तक वो हमेशा क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, तो आपको चेक कितना करना है, सिर्फ 4 तक को चेक करना है, ठीक है। तो 4 तक को चेक करते हैं, तो 1, 2, +1 ये भी प्लस में ही है, और माइनस का 1, ठीक है। तो प्लस 1 और बीच में क्या थे, अब प्लस है, पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो मल्टीप्लिकेशन में थे, अभी हमारे पास क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस का 3। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं, 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 5 factorial up to 1000 factorial और डिवाइड बाय 7। तो जहाँ पर 7 आएगा 7 के बाद वाले जो भी होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीट डिविजिबल होंगे 7 से, है ना, राइट। तो इस क्वेश्चन में आप कहाँ तक चेक करोगे, ओनली 6 तक चेक करोगे, ठीक है, ओनली 6 तक चेक करेंगे। तो जब आप 6 तक चेक करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएंगे 1 + 2 - 1 + 3 + 1 - 1 और आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 5, ठीक है। ओके, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे जो मैंने आपको बोला जिसमें हमारी पावर्स क्या होंगी, ब्रेक नहीं होंगी, ठीक है, वो प्लस वन या माइनस वन रिमाइंडर नहीं देंगी, तो उसमें ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और आगे हम जो टोशेंट मेथड करेंगे उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर x प्लस ए डिवाइड बाय x है तो आपको पता है ये तो x x कंप्लीट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कौन है, a है, तो रिमाइंडर क्या आया, a आया। अगर x प्लस में a की स्क्वायर है डिवाइड बाय x है, तो मैं जब इस पावर को ओपन करूँगी यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ax, तो इसमें x का फैक्टर है तो ये कंप्लीट डिवाइड करेगा इसको, इसमें x का फैक्टर है कंप्लीट डिविजिबल करेगा, तो रिमाइंडर आएगा सिर्फ ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर मैं क्यूब ओपन करके देखती हूँ, जब आप क्यूब ओपन करोगे तो इसमें x का फैक्टर है कंप्लीट डिवाइड करेगा, इसमें x का फैक्टर है कंप्लीट डिविजिबल है, रिमाइंडर कौन होगा, a की 3। तो हमने क्या देखा
कि अगर हमारे पास पावर में है, ठीक है, स्क्वायर था, क्यूब था, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो आपका ए होगा और जितने टर्म आपकी पावर होगी वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, ए की क्यूब, ए एक्स प्लस ए की क्यूब में ए की क्यूब रिमाइंडर था, एक्स प्लस ए स्केयर में ए स्केयर आपका रिमाइंडर था। ठीक है, तो जो हमारी पावर रहेगी वही उतना ही ए की पावर हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, ओके, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी एक्स प्लस में ए उसके पावर एन डिवाइड बाय एक्स और रिमाइंडर क्या होगा आपका, ए की एन। ठीक है, क्योंकि टी एक्स, टी तो क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर रहेगा आपका वो ए की पावर एन रहेगा। देखिए अब इसको हमें क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, जिससे 17 प्लस में 29 अब 23। अब यहाँ पे ना आपके पास रिमाइंडर प्लस वन बनेगा ना ही माइनस वन बनेगा। ठीक है, ना प्लस वन बनेगा और ना ही माइनस वन बनेगा, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके फॉर्म में इनको लिख लेना है। ठीक है, तो 17 को क्या लिख सकती हूँ, 23 माइनस छः उसकी पावर 23, 29 को 23 प्लस छः उसकी पावर 23, गॉट इट। तो ये तो कम्प्लीट डिविजिबल हो जाएगा 23 से। ठीक है, ये आपका कम्प्लीट डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कम्प्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, माइनस सिक्स की पावर 23 और यहाँ पे बचा प्लस सिक्स की पावर 23। ये नंबर क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, अगर आप कॉमन फैक्टर यूज़ करोगे, ठीक है, पावर सेम थी तो कॉमन फैक्टर से अगर यूज़ करोगे तो आप फैक्टर को क्या करो, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 23 से, यानी जिससे भी आपको डिवाइड करना था उससे डिवाइड कर दोगे, तो भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो आपका बहुत आसानी से माइनस वन बन रहा है ना, माइनस वन की पावर 26 सॉल्व कर दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम अपने अभी जो हमने मेथड करा उससे करके देखते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 25 को 26 माइनस में एक, तो 26 आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर कौन बचा, माइनस वन, और पावर कितनी थी 26, और माइनस वन की पावर 26 सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा। सत्ताईस की पावर 29 डिवाइड बाय 28 रिमाइंडर फाइंड करना है आपको, यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन हम इसको अभी जो मेथड सीखे, क्योंकि वो मेथड हमारे लिए यूज़फुल है, तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन पे उसको प्रैक्टिस करते हैं, ताकि थोड़े से जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव स्टेटमेंट्स बने तो हम उस पर अप्लाई कर सकें। तो इसको मैंने लिखा 28 माइनस में एक उसकी पावर 29, आपको पता है ये पूरा डिवाइड हो जाएगा माइनस वन की पावर 29, जिसको सॉल्व करोगे तो माइनस वन, लेकिन आंसर तो माइनस में देना नहीं होता, तो पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, 28 में से माइनस को वन को माइनस कर दोगे, तो आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 27। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।